गांजो बेचे, सुल्पा बेचे, और जे पोटर फोटर आवे जिन्हें बेचे, और मैया बहु सब जे गंदो धंधो वो गांजो बेचे, गांजो बेचे। और जे तो धंधो समझ नहीं पता, पूरे मोहल्ला है जे ये करते, जुआ खेलते हैं और जे गांजे वांजे को धंधा। नगर के बीचों बीच नशीली सामग्रियों का अवैध व्यापार इन दिनों खूब फल फूल रहा है। वृंदावन कोतवाली अंतर्गत एक चर्चित मोहल्ले में अवैध नशीली सामग्री की बिक्री का कारोबार सातवें आसमान पर है, मगर इलाका पुलिस को इस संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं है। अवैध नशा सामग्री का जखीरा संचालित कर शासन प्रशासन सहित पुलिस को ठेंगा दिखाया जा रहा है। नगर में चल रहे अवैध कारोबार का पता तब चला जब मोहल्ले के दर्जनों निवासी वृंदावन कोतवाली में मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचे और मोहल्ले के लोगों ने आरोपी का कारोबार भी पुलिस को बता दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से बेखौफ कारोबारी नशे के नाम पर मौत के सामान को खुले तौर से बांट रहे हैं। जब शहर में पुलिसिया कार्रवाई की यह स्थिति है तो गांवों में क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बिक्री का एकमात्र कारण यह है कि यह कारोबार या तो पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है या फिर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। बहरहाल इस नशीली पदार्थ के बारे में उस मोहल्ले के लोगों ने जो कहा है वह आपको भी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। क्या ये मामला आने आया? ये चरकारी बाड़ी कुंज में आए दिन रवि है जो नशेबाजी करता है, गांजा अपनी पक भी और आदमी मारपीट करता रहता है रात के नहीं, जो कि हमारे कैमरे में भी मौजूद हैं, जो कैमरे लगे हुए हैं, जो लाता है दरवाजे पे हमारा करता है वो सारा कैमरे में है। और कल भी इन्होंने 5 से 6-7 दिन पहले यही हुआ था, जो कल रात को भी लोगों से मारपीट करी और सभी से समय एक पड़ोस में से सोनू है उसके बाद फिर में टूट दी दंड आगे दंडों से बाहर के बदमाश लेके आया जो बुलेट मोटरसाइकिल या जमा थी और हाकी डंडे या जमा है उनसे मारपीट कर रहे आए दिन का ये काम है उनका। होती गीता गांजो बेचे, सुल्पा बेचे, और जे पोटर फोटर आवे जिन्हें बेचे, और मैया बहु सब जे गंदो धंधो करे, और कोई भी किस जगह बेचता है वो मई बेचे चरखारी वाली आड़े वाड़े रख के नहीं जाती है वहां मां कोई पुलिस पुलिस वाले ने कोई के भाई ना मोहल्ला वाले ने चलो भाड़ में जान दो, मोहल्ला वाले ने सोचे भाड़ में जान दो, कछु भी करो करो चूल्हे में जान दो। मेरा नाम प्रकाश है। क्या है ये मामला, आप लोग आज थाने आई हैं? ये बात है भैया, उनके घर में हुए लड़ाई दारू पी के, सबको गाड़ी दे, गाड़ी दे के सबको लड़ाई लड़ाई हुई, आप बाहर के दिन दिन में लेके बुला रहे हैं, लड़ाई कर ली और मारपीट कर गए वो बच्चन के, अभी गांधो देते गांधो देते मैया धंधो करो आप जुआई धंधो करो। भैया मैं चांदकुटी रहती हूँ, मेरा घर है वहाँ सरकारी वाली, मैंने उसमें किराएदार रख दिए थे और वो किराएदार उसी दिन आए थे, तो कह रहे हैं कि ये गंदे हैं बच्चे विद्यार्थी हैं संस्कृत स्कूल के, कि ये मेरी औरत को गंदी नजर से देख रहे हैं। तो भैया मैं मालिक हूँ उसी को कहोगे कि आपके किराएदार गलत कर रहे हैं, इन लोगों ने मेरे गेट की लात मारी है, हड्डे मारे मेरे गेट में, अब वो बच्चे रो रहे हैं अंदर कि हमें बचाओ। रवि भैया है, रवि नहीं करिए मेरे साथ तो बदतमीजी।